बढ़ते आगे, एनडीटीवी ने बताया था कि जिस भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में गैस रिसाव ने हजारों लोगों की जान ले ली, उसका जहरीला कचरा आज भी लोगों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। 40 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार का गैस राहत विभाग यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान शुरू करने के लिए तैयार है। इस कचरे का निष्पादन इंदौर के पीथमपुर में ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी में किया जाएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 126 करोड़ आवंटित किए हैं। लेकिन यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को लेकर धार जिले के पीथमपुर में भारी विरोध शुरू हो गया है। देखिए एनडीटीवी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा भोपाल में फैक्ट्री के आसपास के 42 बस्तियों के भूजल को विषैला बना चुका है। सालों से जमीन के अंदर ये कचरा पड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार अब इसे पीथमपुर में जलाने वाली है। जानकार कहते हैं इससे बड़ी मात्रा में ऑर्गेनोक्लोरीन निकल सकते हैं, जिससे कैंसर का खतरा है। पीथमपुर में इस कचरे को जलाने का 12 साल पहले खुद बीजेपी नेताओं ने विरोध किया था, जिसमें तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी शामिल थे। अब पीथमपुर के लोग इसके विरोध में हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से यहां पर एक चर्चा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भोपाल का यूनियन कार्बाइड का कचरा यहां पे जलने वाला है, जिसकी बात जैसे ही यहाँ के रहवासियों को, ग्रामीणों को पता लगी है, तब से वो इसका विरोध करना शुरू कर चुके हैं और इनका विरोध जो है वो सतत जारी है। उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर यूनियन कार्बाइड का कचरा अगर यहाँ जलता है तो यहाँ के जलवायु जो है वो प्रदूषित होगा और यहाँ के रहवासी भी उससे प्रभावित होंगे। हाँ, बहुत नुकसान हुआ था, सांस लेने में तकलीफ आ रही थी, सांस नहीं ले पा रहे थे लोगों, और जैसे सांस ले रहे थे तो दमा की शिकायत। और अभी हमारे गाँव में अभी फिलहाल में एक पप्पू करण सिंह नामक, उसके मुंह पे इतनी वो एलर्जी हुई है, उसका मुंह पूरे चमड़ियां निकल गए। बोले डॉक्टर साहब बता रहे हैं, बोले कि उसको बहुत सारी बीमारी हो गई, अंदर पूरा मुंह सड़ गया उसका, अंदर से कैंसर टाइप हो गया उसको। सर, हमारे गांव में पानी की और प्रदूषण की बहुत समस्या है, और इस चीज़ को लेके हमारे गाँव में चर्म रोग, कैंसर जैसी बीमारी हो, और भी सारी मतलब सांस लेने में और मतलब बीमारी होने का मतलब सामना कर रहे हैं हम यहाँ पे। पीथमपुर नगर पालिका परिषद ने भी इसका विरोध किया है। इस विरोध में सभी दलों के पार्षद शामिल हैं। खुद बीजेपी के स्थानीय नेता खुलकर इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ये मांग करती है कि ये जो जहरीला कचरा है ये पीथमपुर में ना जले, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि स्वास्थ्य से खिलवाड़ पीथमपुर क्षेत्र में कोई उद्योग जगत या कोई इंडस्ट्री करे, ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है, जहरीले कचरा पीथमपुर में नहीं जलने देंगे, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्णय है। पीथमपुर इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने 2005 में पीथमपुर में एक संयंत्र लगाया, जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आए जहरीले कचरे को लैंडफिल में गाड़ते हैं। 2008 में यहीं पर तमाम विरोध और नियमों के उल्लंघन के बाद एक इंसिनरेटर भी लगा दिया गया। पीथमपुर की लैंडफिल ग्राम तारपुरा के बेहद नजदीक है, जो सीपीसीबी के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। एनडीटीवी की खबर के बाद आए दिन इलाके में विरोध बढ़ता जा रहा है। किसी भी स्थिति में हम पीथमपुर में वो जहरीले कचरे को नहीं जलने देंगे, क्योंकि उस कचरे से पीथमपुर ही नहीं, इंदौर भी दूषित होगा और कई उससे तकलीफें, कई बीमारियां आएगी, जैसे खुजली होना, अस्थमा होना और बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां होगी। तो मैं किसी भी स्थिति में हम पीथमपुर में वो कचरे का निष्पादन नहीं होने देंगे, उसका विरोध, किसी चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम उसका विरोध करेंगे और उस कचरे को पीथमपुर में नहीं आने देंगे। स्थानीय लोगों का मानना है कि पीथमपुर में पहले ही हवा पानी सब प्रदूषित है। यूनियन कार्बाइड के कचरे से पीथमपुर को पानी सप्लाई करने वाला संजय जलाशय भी प्रभावित होगा। इंदौर का यशवंत सागर भी इसे अछूता नहीं रहेगा। तो हमारे संज्ञान में जैसे ही आया कि भोपाल से जो कचरा लाया जा रहा है और पीथमपुर रामकी इंडस्ट्रीज में जलाने का पारित किया है प्रस्ताव,
उसके विरोध में हमने नगर पालिका की परिषद बैठक बिठाई, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पार्षदों ने हमको सहयोग किया और उसका विरोध हमने जताया है नगर पालिका के माध्यम से भी। और हमारे जो रामकी प्लांट के करीबी लोग हैं जो 50-50 किलोमीटर के रेंज में आते हैं, उन छोटी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उन लोगों ने भी इसका बहिष्कार किया है। 2012 में जर्मन कंपनी GIZ ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैमबर्ग जर्मनी में जलाने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। आज इसे लगभग 5 गुनी रकम यानी 126 करोड़ रुपए खर्च कर जलाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे इंसिनरेटर में जहां किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं। एक अहम बात ये भी है कि जिस कचरे को पीथमपुर में जलाया जाना है वो कुल जहरीले कचरे का मात्र 5% ही है। पीथमपुर से साबिर खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV।